हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दवाइयों से रूस का कर्जा लौटाएगा भारत। इंडियाज 130 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री टू सेव रशिया। लग रहा है कि जो हमने तेल लिया है उसकी जगह जो पैसे देने हैं उसकी जगह हम शायद दवाइयां देंगे। दवाइयां वो लोग खरीद रहे हैं हमसे, देखते हैं उनको क्या वहां पे उनका क्या हो गया जो उनको इतनी दवाइयों की जरूरत हो रही है। दवाइयां चाहिए होती हैं। अच्छा, कोविड जो कह रहे थे आप लोग कि भैया कोविड का कोई वेरियंट वापस आ गया है, तो मैं तो ये पढ़ रही थी कि वो कह रहे हैं कि उसके लिए कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपना वो ध्यान रखो और स्टीम स्टूम करो, शायद ये सुनने में आ रहा है उससे काफी आपको मतलब फर्क पड़ेगा या आपको ये होने के चांसेस कम होंगे। तो बताना भाई अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है, अगर नहीं पता स्टीम तो ज़रूर करो। मैं तो मेन मेरे को था कि मैं सबको बताऊं जो मैंने पढ़ा है कि स्टीम ज़रूर करो दिन में एक या दो बार ही, खासकर अगर आपके पेरेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं जिनको लगता है कि जल्दी बीमार होते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री में भारत का सबसे ज्यादा यानी कि 20% शेयर है और वैक्सीन को लेकर यहाँ बाकी देशों से इतना आगे हैं कि शेयर के मामले में एक देश भी भारत के आसपास नहीं टिकता। आपको बता दें कि दुनिया में बिकने वाली 60% वैक्सीन भारत प्रोड्यूस करता है और आज विश्व का एक भी ऐसा देश नहीं है जो भारत से बनी दवाएं इम्पोर्ट नहीं करता। पर आज ये फैक्ट्स हम आपको क्यों बता रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग इस बात को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन आप में से एक खबर के बारे में शायद कोई भी नहीं जानता है जिसके बारे में आज हम एक रिपोर्ट के बेसिस पे खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। आपका इस चैनल से जुड़ना ही हमारी और हमारी मेक इन इंडिया की मुहिम को सपोर्ट करता है, इसलिए अगर इस चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या किसी भी देश पे आर्थिक या प्राकृतिक आपदा आई हो, ऐसे समय में विश्व के डेवलप और अमीर देश तक भारत के सामने हाथ फैला देते हैं क्योंकि भारत सबसे बेहतर क्वालिटी की दवाइयां सबसे कम कीमत में और कम समय में सप्लाई करना जानता है। अब चाहे वो पाकिस्तान जैसा धोखेबाज देश हो या फिर रूस जैसा अच्छा मित्र देश, संकट के समय में भारत से इन देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती हैं। पूरे भारत की फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यू 50 बिलियन डॉलर्स के आसपास है जो एक भीमकाय फिगर है। लेकिन मेन खबर यह है कि भारत का ये सेक्टर अब इतना तेजी से बढ़ रहा है कि 2030 तक इसके 130 बिलियन डॉलर्स के आंकड़े को पार करने का अनुमान लगाया गया है। इनफैक्ट अगले साल यानी कि 2024 के खत्म होने से पहले भारत की इंडस्ट्री 65 बिलियन का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी। जेनरिक दवाइयों के मामले में भारत का शेयर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 50% से ज्यादा का है। वहीं विश्व गुरु माने जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स अपनी जरूरत की 40% जेनरिक दवाइयां भारत से इंपोर्ट करता है और तो और यूके में भारत का शेयर 25% है। मतलब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर देश और इन देशों की जनता भारत के भरोसे चलती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फार्मा सेक्टर 10% की दर से हर साल बढ़ रहा है और इसमें सबसे अहम भूमिका पीएलआई ने निभाई है जिसे भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में निकाला गया था। करीबन 3 सालों पहले तक भारत दवाई बनाने के रॉ मटेरियल के लिए भी चीन पे 95% डिपेंडेंट था और भारत की सिक्योरिटी एजेंसी इसे काफी बड़ा खतरा मानती थी। सरकार को इस बात का पूरा भरोसा था कि चीन इसका किसी न किसी तरीके से गलत फायदा उठा सकता है, इसलिए भारत में एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर पीएलआई निकाली गई। मेनली 54 यानी कि 54 तरीकों के एपीआई की जरूरत भारत को पड़ती है, लेकिन अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 54 में से अब 38 तरह की APIs मैन्युफैक्चर कर रहा है और आज यानी कि दिसंबर में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका होगा। भारत के कुछ नेता मेक इन इंडिया का मजाक बनाते हैं और भारतीय जनता को आलू से सोना बनाने वाली मशीन के इलॉजिकल और बेहुदा सपने दिखाने की कोशिश करते हैं, पर यही लोग तब कुछ भी नहीं बोल पाते जब दुनिया के डेवलप और अमीर देश भारत से मदद मांगने आते हैं। देखिए कमाल की बात यह है कि कुछ ही महीनों पहले भारत की कुछ फार्मा कंपनीज की वजह से भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन इसका कोई भी बड़ा असर देखने को नहीं मिला, बल्कि उल्टा भारतीय सरकार ने कुछ टेस्टिंग लैब्स का गठन किया है जिसकी वजह से आज बेहतर क्वालिटी के मेडिकल ड्रग्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। अकेले सीरम इंस्टीट्यूट हर साल करीबन 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस दुनिया के 90 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है और ये वैक्सीन पाकिस्तान समेत दुनिया के कई गरीब देशों में लोगों को पोलिया, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस और रेबीज जैसी बीमारियों से बचाती है। भारत में एक लॉ है जो भारतीय कंपनीज को महंगी दवाइयों का सस्ता वर्जन मैन्युफैक्चर करने की अनुमति देता है। इस लॉ को यूरोपियन और डेवलप्ड देशों की कंपनीज चोरी बोलती हैं, लेकिन भारत अपने इसी लॉ की वजह से कई सालों से गरीब देशों में लोगों की जान बचा रहा है। भारत में फिलहाल 10,000 से 15,000 फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेशन हैं और 130 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने के लिए ये तादाद और भी बढ़ सकती है। इस खबर से अपने भारतीय होने पे आप जरा सा भी गर्व कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो यार देख लो, प्राउड होने की बात है, बहुत ही अच्छी बात है
कि हम, और मेरे को तो उस पे वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि यूएसए में भी 40% जो है हम लोग जो है सप्लाई करते हैं जेनेरिक मेडिसिन, और वो मैं कह रही हूँ कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको चोरी नहीं बोलते हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि बड़े देश जो होते हैं वो कहते हैं नहीं हमारी चोरी कर रहे हैं, अरे गरीब लोग कैसे कर बनाए दवाइयां। देखिए किसी ने कितनी बहुत रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद कोई आविष्कार करके कोई मेडिकेशन बनाई है, अब उसका पैटेंट है, उसका पैटेंट चलता है जो भी 20 साल के करीब है। अब 20 साल में मान लीजिए कोई उसकी दवाई ले, उसको रिवर्स इंजीनियर करे, फिगर आउट कर ले कैसे सस्ते बनानी है, अब वो बना ले, ठीक है, इसी पे सारा रोना है कि आपने जो है किसी की इन्वेंशन ली, उसने जो बनाई मेडिसिन उसको रिवर्स इंजीनियर करके अब आप बना के दे रहे हैं सस्ती प्राइस में, उसका पैटर्न चले जाता है, तो इस टाइप की कॉन्ट्रोवर्सी। पर 20 साल भी तो वेट किया ना, 20 साल तक ह्यूमैनिटी को कितना नुकसान हो रहा है, तो जो गरीब भी है कॉन्ट्रोवर्सी है, बट एंड ऑफ द डे मैं ये कहूंगा क्योंकि इंडिया में लीगल है और उसके बाद अच्छा जेनेरिक, एक रूल होता है कि 20 साल के बाद जेनेरिक बना सकते हैं, उसमें यूएस में तो ऐसे होता है कि जो जिस चीज का पेटेंट खत्म हो गया उसकी जेनेरिक इंडिया में बन जाती है और यहाँ पे आ जाती इंडिया है, इंडिया में भी, इंडिया से यूएसए भी आती है, इंडिया से बहुत सारी मेडिसिन यूएसए आती है, तो हम जेनेरिक हम सब लोगों का पैटर्न खत्म हो चुका है, आप कोई भी चाहे तो बना सकता है। नहीं तो कहाँ आप $100 की मेडिसिन लेते हो, वो भी इंश्योरेंस के बाद, मतलब आधा इंश्योरेंस दे रही है आधा तुम ले रहे हो, तो पता नहीं 200-300 की एक एक मेडिसिन आपको मिलेगी, बट जो फार्मेसी में इंडिया नंबर वन है, बहुत अच्छा, और अफ्रीका तो वैसे ही कहता है कि अगर इंडिया बनाना बंद कर दे पूरा अफ्रीका डूब जाएगा, वही तो ये भी तो सोचने की, पूरा अफ्रीका कहता है कि इंडिया के भरोसे हमारा काम चल रहा है एटलीस्ट मेडिसिन के। सबसे मजेदार था बोलते हैं चोर जैसे देश पाकिस्तान को भी दे रहे हैं हम लोग, और राहुल गांधी का भी आलू वाला कर दिया। केसेस में ऐसा कोई केसेस हुए थे जिसमें आई ड्रॉप्स ऑफ कॉफ सिरप में वो पंगा हुआ था, हमने न्यूज़ सुनी थी, तो काफी मतलब उसमें जगह जगह वो चली गई थी, अफ्रीका में चली गई थी कॉफ सिरप वगैरह और आई ड्रॉप्स वगैरह जिन्हें पंगे थे, और उसका पता चला गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की थी, जिन लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको पकड़ा है, जेल गए हैं, बहुत कुछ किया है कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। वही तो पूरे देश दुनिया में अपने देश की बदनामी कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए, मतलब ही नहीं बनता, ऐसी कंपनियों को तो टोटल बंद कर देना चाहिए जो इस टाइप का कर रहे हैं, वो भी दवाइयों में, उससे इंडिया का नाम खराब होता है, नाम खराब होता है, काफी ध्यान से काम हो रहा है कि मेक श्योर हो कि सब कह तो रहे ना, कुछ उन्होंने बनाए हैं ऐसी चीज जगहें जहाँ पे टेस्टिंग भी करेंगे, दवाइयों की टेस्टिंग भी होती है, मेक श्योर करें कि प्रॉपर क्वालिटी और सब चीजें हों, तो वो भी हो रहा है इनका, उस पे भी बहुत स्ट्रेस। पाकिस्तान को भी इंडिया से आती है मगर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, जहाँ तक मुझे पता है कि डायरेक्टली वो हमसे ले नहीं सकते, वो दूसरे अपने चैनलों से लेके आते हैं। वही तो, अपने इतनी हिम्मत है तो बंद करो लेनी, अगर वैसे तुमने करना ही है तो पूरा करके दिखाओ ना, ये ऊपर से बाहर से कुछ अंदर से कुछ करने, और यहाँ पे यही होगा, रशिया को जो भी मेडिकेशन चाहिए होती होंगी अब उन्होंने ऑर्डर दिया होगा इंडिया से और इंडिया दे रहा होगा उनको मेडिकेशन, कुछ उस वही हुआ होगा कि आप हमें ये दवाइयां बना कर दे दो या कुछ हो, या हो सकता है उनके भी कोविड के कोई केसेस हो रहे हो, अगर उनकी जो मांग करनी थी युआन चाहिए वो तो गड़बड़, वो तो कभी हम करेंगे ही नहीं, हम तो वो उसमें मानने का मतलब ही नहीं बनता, चाइना को आगे बढ़ाना तो बिल्कुल काफी रशिया से फिर ऊपर नीचे हुआ था पेट्रोल के प्राइसेस पे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे बिल्कुल, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।